हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो आज हम बनाने वाले हैं फुलौड़ी, बंगाल स्टाइल फुलौड़ी। तो ये बंगाल में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और बेसिकली बंगाली लोगों को पसंद भी है। अब बारिश भी शुरू हो गई है तो गर्मा गर्म फुलौड़ी के साथ मूढ़ी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो विदाउट फर्दर डू लेट्स बिगिन। मैंने यहाँ पे चने का डाल लिया है, रात पर भिगो के हमने पेस्ट बनाया है। पेस्ट थोड़ा सा कोर्स चाहिए, इसमें हम डालेंगे फेनल सिर, चॉप जिंजर और ग्रीन चिली। ये मसालेदार फुलौड़ी, फुलौड़ी बेसिकली दो तरह से बनते हैं, एक बिना मसाले मसाले वाला। तो मुझे पर्सनली मसाले वाला पसंद है तो इसलिए मैं ये मसाले वाला बना रही हूँ। अब इसमें डाल देंगे हम नमक, डालेंगे हम बेसन। बेसन इसलिए डालते हैं ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट बने। अगर हम सिर्फ चने डालकर बनाएंगे तो वो हार्ड हो जाएगा, ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगा और अंदर से वो फुलौड़ी वाला टेस्ट नहीं आएगा। तो इसमें हमने डाल दिया है बेकिंग सोडा। और अगर आप सिर्फ बेसन के बनाएंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड बनता है और टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब हम इसे एक साथ मिलाएंगे, बहुत अच्छे से मिलाएंगे और 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इसके साथ साथ हम इसमें सरसों का तेल डालेंगे और इसे गर्म करने के लिए छोड़ देंगे। सरसों का तेल अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम इसमें एक एक करके बॉल बना के डाल देंगे। तेल एकदम गर्म होना चाहिए और बॉल अगर परफेक्ट ना भी हो, परफेक्ट ब्राउन नहीं भी हो तो चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि बाज़ार में जो फुलौड़ी मिलता है वो बेसिकली सब एक शेप की नहीं बनते, थोड़ी सी टेढ़े मेढ़े से बनते हैं। तो इसे हम गोल्डन ब्राउन तक फ्राई करेंगे मीडियम या फिर लो फ्लेम पर। इसे बनने में थोड़ा सा वक्त लगता है। ये लगभग बन चुका है, इसे थोड़ी देर और पकाना है। हमारे घर में संडे की सुबह पीले भाजा और मूली ब्रेकफास्ट में मिलता है। आपके घर में क्या बनता है और आपको क्या पसंद है मुझे कमेंट में बताइए। ये हमारा रेडी हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे। ऊपर से थोड़ा सा हम काला नमक छिड़क देंगे और इसे सर्व करेंगे बंगाली फेवरेट मूढ़ी के साथ। सो एंजॉय, टिल देन बाय बाय।